हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि कब से कब तक हैं, इस बार नवरात्रि कितने दिनों की होंगी, अष्टमी और नवमी की व्रत तिथियां और साथ ही जानेंगे कलश या घट स्थापना के सभी शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा का महापर्व शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। नवरात्रि जगत जननी माँ दुर्गा को समर्पित है। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश या घट स्थापना कर 9 दिनों तक माँ की विशेष पूजा की जाती है, लेकिन इस बार पंचांगों में मतभेद के कारण नवरात्रि कितने दिनों की है इसे लेकर बड़ी ही दुविधा दिखाई दे रही है। तो चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है, इस बार नवरात्रि कितने दिनों की होंगी और कलश या घट स्थापना के सभी शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। आइए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 में कब है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को होगा और शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। अब जान लेते हैं प्रतिपदा तिथि और कलश स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर की सुबह 12:18 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर। दोस्तों, उदया तिथि की प्रतिपदा 3 अक्टूबर को है, इसलिए 3 अक्टूबर से ही शारदीय नवरात्रि शुरू होगी। अब जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, कलश या घट स्थापना का प्रातकालीन मुहूर्त रहेगा 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:22 और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से दोपहर 12:33। दोस्तों, इस बार नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक पूरे 10 दिनों तक चलेगा। अब जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी कब है। दोस्तों, इस बार दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो चलिए जानते हैं अष्टमी नवमी कब है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को शुरू हो रही है, लेकिन 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि भी है और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब सप्तमी तिथि हो तो उस दिन अष्टमी का व्रत नहीं किया जाता है। ऐसे में इस बार अष्टमी और नवमी का व्रत 11 अक्टूबर को ही करना अधिक श्रेष्ठ रहेगा। अब जान लेते हैं कलश स्थापना विधि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन विधि अनुसार घट स्थापना करने के लिए एक दिन पूर्व ही आप पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे भी शुद्ध कर लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। दोस्तों, अब माँ दुर्गा की प्रतिमा इस चौकी पर स्थापित करें। अब कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी और रेत डालकर उसमें जौ व 7 तरह के अनाजों के बीज छिड़क दें। दोस्तों, अब तांबे का एक लोटा लें और उस पर रोली से स्वास्तिक बना लें। अब लोटे के ऊपरी भाग में मौली या कलावा बांध दें। दोस्तों, अब इस लोटे में गंगाजल मिला जल डालकर इसमें पान, सुपारी, अक्षत, कच्ची हल्दी की गांठ, रुपया, पीली सरसों के दाने व दूध डालकर अशोक या आम के 5 पत्ते लगा लें। दोस्तों, इसके बाद एक नारियल लें और नारियल को एक लाल चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर एक बर्तन में चावल भरकर उसके ऊपर ही नारियल की स्थापना करें। दोस्तों, अब व्रत का संकल्प लेकर गणपति व माँ दुर्गा का स्मरण कर माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर धूप दीप जलाएं और विधि पूर्वक 9 दिनों तक माँ भगवती का पूजन कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कन्या पूजन करें। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।